प्राइमस कैसेट्स सज्जनो, मेरे परमादरणीय श्रोता बंधु, ये जिगड़ी भजनों का प्रोग्राम गांव जहीना जिला भरतपुर में चल रहा है, जिसके रिकॉर्डिंग करता ऑडियो वीडियो गोपाल भरंगर जी और जिसके गायक कलाकार चंद्रवीर गोड़ा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से, और जो ढोलक पर नजर आ रहे हैं धर्मवीर सिंह चाहर भवनपुरा क्रावली आगरा से, और मधुर मधुर जो झीका झनका रहे हैं हमारे घनश्याम जी, और सुनिए भैया जी जिगड़ी भजन का रूप। वैसे सभी कलाकार अपनी अपनी सभ्यता का परिचय बहुत ही अच्छे तरीके से दे रहे हैं मास्टर जी, और वैसे लड़कन भैया कच्ची ज्यादा ही अच्छा परिचय दे गए, लेकिन कोई बात नहीं सजनो, मेला जिकड़ी का लगाया है आप लोगों ने, और जो गुरु लोगों से सीखा है, आप लोगों से आशीर्वाद से कुछ मिला है, मैं वो आपको सुना रहा हूं मेरे बंधुओं। गहराई करेंगे और गौर करेंगे भैया जी। सबका साझा हुआ करता है कि पूत सपूत में साजो है सबको, और एक कायर का पूत का झुका मैंने आवे कि फल बिन डार न बत नहीं कबहु बिन ज्ञान कहां ते आवे के बिन संतोष सुखी मत जानो, और बिन सुर ताल कहां कोई गावे कहीं खेत बिन नाज तो कुल बिन लाज कहते आवे। लेकिन मेरे बुजुर्गो, कमेटी का आदेश, जिकड़ी की मेन धरोहर हुआ करती है साखी, और साखी सुनेंगे भैया जी, और वैसे सभी गाने वाले बहुत ही सुंदर सुंदर सुना रहे हैं, मैं भी कोशिश करूंगा जो कि आपके चरणों से कुछ रज मिली है मैं आपको सुनाऊंगा भैया जी। एक आत्मा और उस परम पिता परमेश्वर को जवाब देती है, और चार साहब कैसे जवाब दिया साखी से, हो
खराय दे मेरे भारता आज मैं दुष्ट पापी
हवाले कर देता है। यहां से कहानी ने मोड़ लिया है, लेकिन बारह मासी के अंदर जवाब दिया चाचा जी, सुनेंगे भैया जी, और कैसे जवाब दिया चार साहब? अरे आयो करण शिकार, अरे आयो करण शिकार, फिर बाह भील बड़ो गाढ़ो, अरे कोई देखे नजर, अरे कोई देखे नजर, पसार नदी पे सब कुछ कहते हुए, लेकिन भील जवाब दे रहा है, क्या भील कहे सुने ऊपर बारे, क्या भील कहे सुने ऊपर बारे, या कि सांस तो पहली छूटी है, और 21 दिन हम वे बहते है गए, अब मेरी आंसू छूटी है, क्या बहुत तो पाप किया मैंने अब तक। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी देते हैं बार बार, धन्यवाद भैया जी। जब इतना कहा कि बहुत पाप किए मैंने अब तक, और सबक का फल मैंने पाया, और ना कोई हमें बचावे, आज इस तरीके से अब भीड़ जवाब दे रहा भैया जी। लेकिन गाने वाले बोल रहे हैं कि शुद्ध जिगड़ी मैं कुछ भी नहीं कहूंगा आपसे भैया जी, कुछ भी नहीं कहूंगा जिगड़ी के
बारे में। आप लोग खुद सुलझे हुए हो, कोई उपदेश नहीं होगा, कोई भी कुछ कूड़ा करकट नहीं होगा। सुनिए भैया जी, आज वह भील और जवाब दे रहा है, और कैसे जवाब दे रहा है? अरे कहा कुदरत करे भैया जी के धीरे धीरे भोरो पिछवार। ये समाज बहुत सुलझी हुई है, शब्दों का ही मेल है भैया जी, और चिकड़ी के अंदर शब्द ही प्रदान हुआ करता है। आप लोग लगाएंगे ध्यान भैया जी, किस समय एक दिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और जब लक्ष्मण जी की शक्ति लग जाती है, आज सर को गोदी में रख लिया और जवाब दे रहे हैं। अगर इस बात को मैं उस दिन पूरी कर देता तो मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन मेरे बंधुओं, कौन सा दिन भैया जी, सुनेंगे चार सौ। आज वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम जवाब दे रहे हैं। भैया बाद न मेरे संग
संग में पंचो लक्ष्मण भैया आए। और जे 101 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई गिरदार जी हलवाई की दुकान है इनकी। एक दिना सुन मेरो पिता मोहे गंगा तट पहला बादिन मेरे संग में पंचो लक्ष्मण भैया आए। और तारिक कपड़ा मेरे पिता ने गोता जाए लगाए और मगर मच्छ ने मेरे पिता को आए के पाम दबाए मोहड़ो फट गयो मगर मच्छ को निकरे